दोस्तों नमस्कार। आज मेरे हाथ में पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार है। इसमें खबरें तो बहुत हैं, 24 पेज का अखबार है, लेकिन मैं सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश में हुए चुनावी दौरे का जो खबर है वो बतलाऊंगा। और मुख्य खबर जो बनाया है हिंदुस्तान ने आज, वो कल हिंदुस्तान टाइम्स का एक समिट था, लीडरशिप समिट, उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा उस पर जो खबर है उसके बारे में हम बताएंगे। तो हिंदुस्तान की सबसे प्रमुख खबर में यही है, एसटी लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री ने कहा, एक दशक में कई बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ रहा देश अब रुकने वाला नहीं है, दुनिया ने माना यह भारत का वक्त है, मोदी जी ने कहा। और क्या कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि बीते एक दशक में कई बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ रहा भारत अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, आज गरीब को लेकर बड़े निवेशक तक मानते हैं कि यह भारत का समय है, हम किसी भी बाधा के पार जा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की थीम बियॉन्ड बैरियर्स, बाधाओं से परे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव नेताओं में लोग सत्तारूढ़ भाजपा को बाधाओं से परे समर्थन करते दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का मध्य वर्ग हर यात्रा में साथ खड़ा नजर आता है। वर्ष 2013 में जहां 4 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल होते थे, वहीं 2023 में 7.5 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न दाखिल हुए, लोगों की आय 5 गुना तक बढ़ी। उन्होंने कहा कि भारत में मध्य वर्ग की बढ़ती आय और कम होती गरीबी बहुत बड़े आर्थिक चक्र के आधार बनते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ जो एक बात प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे में लोग सत्तारूढ़ भाजपा को बाधाओं से परे समर्थन करते दिखेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का मध्य वर्ग हर यात्रा में साथ खड़ा नजर आता है। ये तो सही बात है कि आज मध्य वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन कभी मोदी जी भी तो मध्य वर्ग के साथ खड़ा होते तो अच्छा होता। हम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, यही इच्छा शक्ति देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रही है, और आम लोगों को मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि असली बाधा परिवारवाद व भाई भतीजावाद रहा है, सामान्य नागरिक की पूछ नहीं थी, खेल हो, राजनीति हो, पद्म पुरस्कार हो, हर जगह इसका बोलबाला था, लेकिन बीते कुछ सालों में सामान्य नागरिक को मजबूती दी गई और वह खुद को सक्षम समझने लगा। पहले आम आदमी की पूछ नहीं थी, लेकिन अब तो जैसे हर जगह आम आदमी का ही बोलबाला है। प्रधानमंत्री हर काम आम आदमी से पूछकर ही करते हैं, लगातार मन की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन कभी भी जन का बात नहीं किया है इन्होंने, और कहते हैं कि आम आदमी का हर जगह बोलबाला हो गया है। एक और ऐलान उन्होंने किया, मुफ्त राशन योजना वर्ष 2028 तक जारी रहेगी। यह घोषणा उन्होंने रतलाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, चुनावी सभा में उन्होंने घोषणा की कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली गरीब कल्याण योजना अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगी। मोदी ने यह बात छत्तीसगढ़ के दुर्ग और मध्य प्रदेश के रतलाम में कही। दुर्ग में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से गरीब देश भर के 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कायदे से तो यह घोषणा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है या नहीं। और उसके बाद
मंडी सीट से चुनाव में उतर सकती हैं कंगना रनौत। एक खबर है, हिमाचल प्रदेश की बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने चुनाव में उतरने की बात कहकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। लंबे अरसे से कंगना रनौत केंद्र की भाजपा सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती आ रही हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा कंगना को मंडी सीट से चुनाव में उतार सकती है। और एक खबर है जो कि मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाया, शाह ने कहा है, वो भी एक चुनावी सभा में मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने शनिवार को मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, जबकि भाजपा ने विकसित राज्य बनाया। हालांकि पिछले 20 सालों से तो वहाँ भाजपा ही है, तो अब लेकिन 20 वर्षों बाद भी कांग्रेस को दोष देते हैं, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। एक और न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले रैली को संबोधित किया। मोदी बोले, कांग्रेस की सभी घोषणाएं फिल्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के कपड़े फाड़ने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता, उनके संवाद और उनकी घोषणाएँ सब फिल्मी हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के विधानसभा चुनाव के पहले रतलाम में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता फिल्मी, उसके बाद उनके संवाद फिल्मी, उनकी घोषणाएं फिल्मी और उनके किरदार भी फिल्मी हैं। जब किरदार फिल्मी हैं तो जाहिर तौर पर सीन भी फिल्मी होगा। कमलनाथ के बयान पर उनका और दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल एक ट्रेलर था, 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस की असली तस्वीर यहां दिखेगी। तो ये आज के कुछ चुनावी समाचार थे हिंदुस्तान में छपे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।